हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए जिससे सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाए और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके कवर हो जिससे एग्जामिनेशन में आपके मार्क भी गेन हो सके। चैनल पर जो भी बच्चे नए हो, सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन अगर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और क्लिक करके आप उन्हें अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए पॉलीगॉन हैज 27 डायगोनल्स, हाउ मेनी साइड डस इट हैव। देखिए, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन 1 पढ़ाया हुआ है, वहां आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हम आपको नंबर दे रहे हैं, आप हमें पॉलीगॉन सॉरी डायगोनल बताइए कि कितने उसमें डायगोनल होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हम डायगोनल ही दिए दे रहे हैं, आप हमें बताइए कि पॉलीगॉन शेप कौन सा है, यानी पॉलीगॉन शेप में कितनी साइड है, यह क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। तो देखिए, जो पॉलीगॉन का यहां पे डायगोनल दिया गया है वो देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है डायगोनल्स इक्वल टू 27, यानी जो शेप का डायगोनल्स होंगे यानी उसमें कितने डायगोनल बन रहे हैं वो 27 है। आपसे पूछ रहे हैं कि उस शेप बनाएंगे, कोई भी शेप जो भी बनेगा उसमें कितने साइड है। तो देखिए, फॉर्मूला मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया हुआ है कि नंबर ऑफ यहां पर देखिए नोट भी है, यहां पर इसको बुक में भी आप नोट कर देख सकते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू एन एन माइनस 3 अपॉन 2। ये जो एन है यही एन क्या है, इस साइड की वैल्यू है जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कितनी साइड होंगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करते हो तो नंबर ऑफ डायगोनल्स देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया 27 लिख लीजिए, इक्वल टू एन हमें नहीं मालूम है, एन तो ही हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन 2, आप इसके भी नीचे अपॉन 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे, कैसे करेंगे इस पर बात बहुत ध्यान से पढ़िए। देखिए, इक्वल टू हो गया, ये भी फ्रैक्शन में हो गया, ये भी फ्रैक्शन में हो, तो इससे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। जब भी इक्वल टू में हो और फ्रैक्शन फ्रैक्शन में हो तो इसका नंबर आप यहां पर मल्टीप्लीकेशन करिए और इस नंबर का यहां पर, तो 2 का 27 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 27 2 54, यानी डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 27 2 54 इक्वल टू, और 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये वैल्यू 1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर पे करते हैं तो नंबर आपका क्या होता है, वही नंबर ही रह जाता है। तो 27 2 54 यहां पे नोट कर लीजिएगा और 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां पर हमने नोट कर दिया। ठीक है, अब हम इसे सोल्यूशन करेंगे, 54 इक्वल टू एन का देखिए अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एन का मल्टीप्लाई एन में करोगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और एन का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 3n। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा इक्वेशन टाइप को बनाएंगे और इक्वेशन को सोल्यूशन भी करेंगे, कैसे करेंगे तो देखिए यहां पर है प्लस प्लस 54, आप इसे ट्रांसफर करेंगे आरएचएस साइड, तो एलएचएस से आरएचएस में ले जाते हैं तो माइनस का साइन हो जाता है, तो क्या नोट करो, एन स्क्वायर माइनस 3n और माइनस ये क्या हो जाएगा, 54 इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत ध्यान से कवर करिए, पूरा वीडियो देखिए जिससे सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाए और एक एक स्टेप को आप बहुत ध्यान से समझते भी चलिए। तो एन स्क्वायर लिखा माइनस 3n, यह प्लस 54 था, इसको हमने इधर ले आया तो माइनस 54 हो गया इक्वल टू, और यहां पर कुछ भी नहीं बाकी बचेगा तो हमने क्या लिख लिया, 0। ठीक, अब इस इक्वेशन को सोल्यूशन करके एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी पढ़ा चुके हैं, प्रीवियस एक्सरसाइजेस में रिलेटेड हो चुकी हैं, इक्वेशन चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन है कि 54 का मल्टीप्लाई यहां पे करते हैं क्या होता है, क्योंकि यहां पर देखिए क्या हिडन है, यहां पर क्या 1 हिडन है, तो 54 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 54 बन जा 54, और 54 के ऐसे कोई फैक्टर करो जिसे प्लस करने पर या माइनस करने पर हमें 3 मिल जाए, तो यही आपको यहां पर ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए 54 का फैक्टराइजेशन होता भी है क्या, अरे आप में करिए 9 6 54, 9 6 क्या होता है 54, और 9 में देखिए 6 माइनस करेंगे तो 3 हमें मिल जाएगा। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया हुआ है, जैसे नंबर आते 54 बन जाए 54 लिख लेंगे, इसके बस को ऐसे फैक्टर करो, यानी कोई अगर टेबल से कट हो रहा है तो टेबल लिख लो और प्लस करने पर या माइनस करने पर ये मिडिल का नंबर आपको मिल जाना चाहिए। तो 9 6 54, 9 में 6 माइनस करो तो यहाँ पे 3 मिल रहा है ना, तो 9 6 54। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस 3 की जगह क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 6, क्योंकि अभी भी मैंने कराया 9 6 54, 9 में 6 माइनस करो 3 मिल जाएगा, एन जो आपका बाहर था उसे आप बाहर ही नोट रहने दीजिए, 54 इक्वल टू 0। अब हम इस ब्रैकेट का अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एन स्क्वायर माइनस, जब एन का मल्टीप्लाइकेशन करोगे और ब्रैकेट ओपन करोगे तो दोनों बातों में ध्यान रखिएगा, एन का मल्टीप्लाई करोगे तो 9n हो जाएगा और माइनस ब्रैकेट्स के अंदर जा रहा है, तो आपको हमने पहले भी पढ़ा है जब माइनस हम ब्रैकेट्स के अंदर ले जाते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6n।
-54 इक्वल टू 0। ये लाइन अगर आपको नहीं समझ में आई तो फिर से समझ लीजिए, एन स्क्वायर माइनस जब हम ब्रैकेट्स के अंदर ले जाते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं। ये हमने प्रीवियस पहले भी पढ़ा चुके हैं कि जब भी ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर के जो भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस देखिए प्लस हो गया और एन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9n, यहां पर मल्टीप्लीकेशन करोगे 6n, -54 इक्वल टू 0। अब देखिए 2-2 का पेयर बना लीजिए, 2-2 नंबर पेयर बना ले रहे हैं। यहां पर देखिए दोनों में से n कॉमन मिल जाए तो n कॉमन ले लीजिए। तो यहां देखिए n स्क्वायर यानी n की पावर 2 है, यानी n यहां पर 2 है, एक n हमने निकाल लिया तो यहां पर क्या आ गया n माइनस, और यहां 9n से n यहां पर कॉमन ले लोगे तो यहां पर ओनली क्या रह जाएगा n, ठीक। प्लस इसके बाद देखिए दोनों 6n माइनस 54 में से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, 6 मिल रहा है क्योंकि 6 जा 6 हो जाएगा और 6 9 जा 54, तो 6 यहां पर कॉमन ले लीजिए तो यहां पे हो गया n, यहां पे क्योंकि 6n है तो 6 कॉमन ले लेंगे तो ओनली n रह जाएगा, n लिख लीजिए माइनस और 6 9 जा 54 तो 9 यहां पर नोट कर लेंगे इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए यहां पर से क्या होगा, दोनों जगह देखिए n माइनस है, n माइनस n, यहां से दोनों जगह से फिर कॉमन ले लेंगे क्योंकि फिर 2-2 के पेयर इस तरह बना लीजिए। तो यहां पर कॉमन क्या मिल रहा है n माइनस n, तो n माइनस n यहां पर आप कॉमन ले लीजिए तो n माइनस n एक ब्रैकेट में हो जाएगा और यहां पर क्या बाकी बचा हुआ है n प्लस 6 एक ब्रैकेट में बचा हुआ इक्वल टू 0। तो आई होप यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी, अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। n माइनस n यहां पर हमने ले लिया कॉमन एक ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में n प्लस 6 यहां पर लिख लिया क्योंकि जो बाकी रिमेन नंबर रह जाते हैं उसे हम सेकंड ब्रैकेट पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां से स्टेप आप यहां पर सीखिए, तो देखिए n माइनस n एक ब्रैकेट में हो गया, इसके बाद n प्लस 6 एक ब्रैकेट में हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, एक बार लिख लीजिए n माइनस 9 इक्वल टू 0 लिखेंगे क्योंकि एक ब्रैकेट पहले ये वाला ब्रैकेट लेकर इक्वल टू 0 ले लीजिए तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 9 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो n इक्वल टू 9 हो जाएगा, एक ये आंसर निकल कर आएगा। एक बार और ले लेंगे n प्लस 6 इक्वल टू 0 लिख लेंगे, n इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 6 को उधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस 6, ये n इक्वल टू माइनस 6 की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान ये रखना है जो साइड की वैल्यू होती है वो हमेशा प्लस पे होती है, तो आंसर हमारा क्या होगा n इक्वल टू 9 इक्वल टू 0, यानी जो n की वैल्यू है 9, इट इज अ राइट आंसर। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया कि इसमें कितने साइड हैं, तो कितने साइड हैं, तो 9 साइड हैं, इट इज अ राइट आंसर। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, अगर आप इन क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, मेरी पूरी गारंटी है। मैं आपको सभी क्वेश्चन बहुत ध्यान से और एक्सप्लेनेशंस के साथ पढ़ाता जाऊंगा। डायगोनल आपके 27 है वो नोट कर लिए, इस फॉर्मूले को जरूर लर्न कर लिए जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू एन एन माइनस 3 अपॉन 2, इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन को मैंने पढ़ाया कैसे करेंगे, यहां पर वैल्यू निकल कर आ जाएंगे, दो वैल्यूज आएंगी, पहले वैल्यूज को इक्वल टू 0 करिए तो n इक्वल टू 9 आ जाएगा प्लस का 9 और n प्लस 6 करो तो वो माइनस 6, तो वैल्यू हमेशा साइड माइनस पे नहीं होती है इसलिए वो आंसर नहीं होगा, जो आंसर प्लस पे दिया जाता है वही आंसर होता है n इक्वल टू 9, तो कितने साइड होंगे तो 9 साइड होंगे, दैट इज अ राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 अब आपको कवर हो गए होंगे, बिल्कुल इजिली थे, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लग रहा है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे पूरे वीडियो देखेंगे तो सभी क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 जरूर पढ़ लीजिए, ऊपर आई बटन में लिंक और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, वहां से आप सभी क्वेश्चन कवर करके पढ़ सकते हैं। चैनल पर जो भी बच्चे ना हो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर ना किए हो तो अपने फ्रेंड को जरूर जरूर शेयर कर दीजिए जो क्लास 8 में आपके फ्रेंड पढ़ते हो। और जवाहर नवोदय विद्यालय में कोई बच्चे अगर तैयारी करना चाहते हो तो उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने नीचे दे दी है, वहां से आप कवर करके पढ़ सकते हैं, सभी क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे जिससे वो बच्चे भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।